प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। और इस बार वॉइस ऑफ गुरुग्राम में हमारा मुद्दा है खेल खिलाड़ी और उनकी बदहाली। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उससे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हॉकी के कोच हैं चरण सिंह देवा जी, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन सूरजपाल अमू जी भी है और इनका एक खेल से जुड़ा हुआ लंबा चौड़ा परिचय वो आपको बाद में देंगे। कर्नल सुखविंदर राठी जी हमारे साथ है INLD से, कांग्रेस से हमारे साथ वंदना पोपली जी। सबसे पहला सवाल अमू जी, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है सरकार, गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को क्या दिया है? गुड़गांव के अंदर जो दिया है हरियाणा सरकार ने, मनोहर सरकार ने और खेल मंत्री अनिल विज ने, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो गुड़गांव में स्टेडियम्स के अंदर जो नए काम आप देख रहे हैं, जो आपके पीछे की ओर जो अभी काम भी चल रहा है। सूर्यपाल जी, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, दंगल की आपने बात की, 1 करोड़ का दंगल आपने किया। अगर गुरुग्राम में बात करें, दंगल के खिलाड़ी जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? आज तक भी जो प्रोफेशनल मैट्स होने चाहिए, इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिला। अभी भी उसी दंगल में जो हमारे पारंपरिक जो तरीके से कुश्ती लड़ी जाती है, खेली जाती है, सीखी जाती है, उसी तरह से उनको करना पड़ रहा है। खुद जाकर सबसे पहले जो खिलाड़ी आते हैं, जो मिट्टी में वो गांठे बन जाती है उसे निकालना पड़ता है और उसके बाद वो है खेलने की अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो दे क्या रहे हैं आप खिलाड़ियों के लिए, वहां बात कीजिए। मैं नेहरू स्टेडियम की बात करूं, देवीलाल स्टेडियम की बात करूं, मैं सोहना के अंदर छोटा सा स्टेडियम है परंतु वहां पर भी जो मैट्स जिनकी बात कर रहे हो आप, मैट्रेस वो पहुंच चुके हैं और वो आज की डेट में अगर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो उनके ऊपर करते हैं, लगे आए हुए हैं, यहाँ पर खेल विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए, यहाँ पर गद्दे आ चुके हैं और उसके ऊपर बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। चलिए चरण सिंह जी, क्या लगता है आपको, कुश्ती से शुरू करते हैं, जो मैट की सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके अलावा क्योंकि हॉकी के आप कोच हैं, हॉकी के ग्राउंड की बात करें तो जब ये यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगा तो शायद ये देश का दूसरा ऐसा शहर था जहाँ एस्ट्रोटर्फ की सुविधा हॉकी के लिए दी गई, लेकिन क्या उसके बाद और इन्होंने 3 साल के वक्त में कुछ बदलाव देखा है आपने? यहाँ बदलाव देखने को मिला है क्योंकि एस्ट्रोटर्फ की ऐसी हालत है कि बच्चे खेलने लायक नहीं है इस पे, इसके कई बार डिमांड उठा चुके हैं लेकिन इस पे प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे किस तरीके से तैयार होंगे, कोच अपनी तरीके से पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से और स्पोर्ट्स का सामान ना होने की वजह से बच्चों का भविष्य कगार पर पहुंच चुका है। और इसका जिम्मा मैं तो एक कांग्रेस सरकार को नहीं देता, ना बीजेपी को देता, ये मैं तो उन अधिकारियों को देता हूं जो कि प्रॉपर स्पोर्ट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आपके बगल में ही कुश्ती का ग्राउंड भी है, जिमनास्ट का ग्राउंड भी है, टेनिस का कोर्ट हम देख पा रहे हैं अभी नया बना है, लेकिन अगर जिमनास्ट की बात कर लें, क्या वो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को? अभी वो सुविधाएं मेरे को नहीं लगता कि यहाँ प्रॉपर सुचारू रूप से चालू कर दी गई है, क्योंकि मैं तो हॉकी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हॉकी के बारे में ही ज्यादा बता पाऊंगा। अब एक अगला परिचय मैं आपका, मुझे मैंने कहा था कि एक लंबा चौड़ा खेल से जुड़ा परिचय है, आप जो है जिमनास्टिक, हरियाणा जिमनास्टिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस वक्त हम जिस ग्राउंड में शो कर रहे हैं जिमनास्टिक का ही ग्राउंड है, और मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ की हालात दिखाएं, जो हालात और आप भी देखें और सभी देखें कि किस तरह के हालात है, क्या यहाँ से इंटरनेशनल लेवल का एक खिलाड़ी यहाँ से तैयार किया जा सकता है, इन हालात में किया जा सकता है? एक सुखविंदर जी से रिएक्शन ले देता हूँ। सर, अगर बात करें जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गई, क्या लगता है कि ग्राउंड पर वो सब हो रहा है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैं एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में यहां पे नहीं बैठा हूं, मैं कर्नल राठी हूं, मैं मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में पढ़ा हूँ, 10-15 बार नेशनल भी रिप्रेजेंट किया है, स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ, सर्विसेज रिप्रेजेंट किया है फौज में, और मुझे ये दुख होता है ये कहते हुए कि जिस तरह से, एक तो गलती हमारी है कि हम हर जगह पॉलिटिशियंस को लेके बैठ जाते हैं, अभी डिबेट किस पार्टी ने क्या किया वो नहीं है, हमारी डिबेट है इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, आपने बिल्कुल ये इक्विपमेंट आपके सामने रखा हुआ है, कोई अधिकारी कोच साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि पॉलिटिशियंस को क्यों लेके आते हो, जो ग्राउंड पे आदमी बैठा है वो क्या कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। आज मैं कोच साहब से, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा, आज गुड़गांव में आप पोस्टिंग लेने के लिए आप पता नहीं कहां कहां पॉलिटिशियंस के पास चक्कर काटते हो ताकि गुड़गांव में आपकी पोस्टिंग हो जाए, क्यों? तो आप उस अधिकारी के अगेंस्ट आप कैसे बोल सकते हो, आप नहीं बोलोगे, आप बच्चे के भविष्य, अधिकारी तो सरकार की नहीं सुन रहे और इन अधिकारियों को सरकार चलाती है, यही एक बड़ा मुश्किल दौर है। और एक सवाल भी यहाँ पर वंदना जी, क्या लगता है आपकी सरकार इससे पहले रही थी, बहुत सारी सुविधाएं 10 साल आप लोग रहे जो दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली,
इन पौने तीन साल में भी वही हालात। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि खेलों का सीधा सीधा संबंध पदक लाने से होता है। जो खिलाड़ी एक इच्छा शक्ति के साथ खेलता है कि मैं अपना देश के लिए गौरव लेकर आऊं और पदक लेकर आऊं। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम 2012 से लेकर 2016 में कंपेयर करें कि ओलंपिक गेम्स से जिस तरह से पदक की संख्या, अगर हम बात करें हरियाणा से 4 पदक लाए गए थे टोटल 2012 में और अभी सिर्फ एक ही पदक आया था, तो पहली पंक्ति जहां हमें के साथ साथ दूसरी पंक्ति तैयार करनी चाहिए, वहां पर पहली पंक्ति भी यहां पर तैयार नहीं हो पाई। जहां पर हम यहां पर आज बैठे हुए नेहरू स्टेडियम में, न्यूज़पेपर में ये लगातार खबर चलती रही कि यहां पर सफाई जो है वो लगातार नहीं हो रही। ये पिछले साल की बात है। रोशनी देवी जी यहां की खेल अधिकारी थी, जब उनसे कहा जाता था कि यहां पर सफाई नहीं हो रही तो वो कहा करती थी कि बच्चों से करवा ली जाए। तो क्या बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं या सफाई करने के लिए आते हैं, ये मुझे एक बात बताइए। और अभी आप बात कर रहे थे कि जिमनास्टिक इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे, जिमनास्टिक के इक्विपमेंट्स शटर के पीछे क्यों बंद है? अगर आपने इतना पैसा खर्च किया है, वो जनता के लिए खर्च किया है, उसको खोलिए। और मैं तो कहूंगी इनिशिएटिव, यही एक मुश्किल बात है कि कुछ शटर के पीछे बंद है और कुछ घोषणाएं पेपर में है और जो पैसे हैं वो खातों में जमा है लेकिन खिलाड़ियों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। कुछ लोगों से यहाँ सवाल ले लेते हैं। सर, गुड़गांव में अगर देखें तो दो बड़े स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम और एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम। किस तरह से देखते हैं इन स्टेडियम में सुविधाओं? बिल्कुल भी सुविधा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ना तो पीने के पानी की ढंग की सुविधा है, खास करके ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। यहाँ तो कुछ थोड़ा बहुत है भी सुविधा, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल भी सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। अभी काफी मतलब जो है ना, सीएम विंडो में भी हमने एप्लीकेशन दी तब जाके थोड़ी बहुत सुनवाई हुई। तो एक कूलर डीएसओ साहब ने वहाँ पे लगवाया और सफाई की तो कोई मतलब ही नहीं है। ना वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ कोई आओ कोई जाओ कैसे भी हो, वहाँ सुअर सारे दिन घूमते रहते हैं। बच्चों के खेलने की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, समस्या ही समस्या है वहाँ तो। अमू जी, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अगर हम नेहरू स्टेडियम से लेकर ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक अगर जाएं, पानी के पीने की दिक्कत है, सुरक्षा वहाँ पर नहीं है, सुविधाएं खिलाड़ियों के पास वहाँ नहीं है, कर क्या रहे हैं आप लोग? मुझे अभी जैसे आपने बात की भाई साहब से नेहरू स्टेडियम के अंदर और जो सफाई की बात करी वंदना जी ने, राठी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट क्यों। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, इतने साल हो गए स्टेडियम्स को बने हुए और जब सुविधा की बात आती है, अब तो मैं समझता हूँ नेहरू स्टेडियम के अंदर भी वाटर कूलर लग गया है और देवीलाल स्टेडियम के अंदर भी वाटर कूलर लग गया। एक वाटर कूलर है और कई एकड़ में वो बना हुआ स्टेडियम है और हजारों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं, एक वाटर कूलर से कैसे प्यास बुझेगी लोगों की? मैं समझता हूँ कि जो वाटर कूलर लगा है वो समस्या को खत्म करने के लिए शुरुआत हुई है, और उससे पहले भी जो वाटर कूलर लगा था वो ठीक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये जाँच का विषय है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जो बात शटर के पीछे वाली बात हो रही थी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, समान इक्विपमेंट सारे के सारे हैं जिमनास्टिक के लिए, और जो आप देख रहे हो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट्स हैं। मैं सिर्फ जिमनास्टिक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी खेल के लिए, खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर हम खिलाड़ियों को कोई भी मटेरियल उपलब्ध कराएं या कोई भी उनको सामान उपलब्ध कराएं, उनकी सुरक्षा मुझे पहले से। तीन साल गए उस इक्विपमेंट को शटर के पीछे पहुंचाने में और अगले तीन साल लग जाएंगे वो शटर खोलकर बाहर लाने में। चलिए, कुछ खिलाड़ी भी यहाँ है, मुझे उनसे भी पूछ लेते हैं, बच्चे हैं या खेलते हैं, उनको क्या परेशानी है? बेटा, आपका नाम क्या है, कौन से खेल के खिलाड़ी? मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं कोरबबॉल का प्लेयर हूं। आप ये बताइए, जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है? यस सर। सर जी, हमारा ये कोर्ट है, कभी हॉकी के बच्चे आते हैं कभी नहीं आते जी, और यहाँ फुटबॉल के आते रहते हैं। मुझे अब यहाँ आप इन बच्चों से ही समझ लीजिए बात को, कि जो ग्राउंड है वहाँ मतलब मल्टीपल ग्राउंड बनाया हुआ है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आ नहीं रही है बच्चों के पास खिलाड़ियों। मैं राज कल ही मिला हूँ और मैं आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ, फुटबॉल और जिमनास्टिक के लिए अलग से जो मल्टीपर्पज हॉल देवीलाल स्टेडियम के अंदर बन रहा है, वो मुझे लगता है कि चौटाला साहब की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था और वो अब वो कंप्लीट होने के कगार पे है। तो वो जो तैयार हो रहा है उसमें बैडमिंटन भी, जिमनास्टिक भी और कई प्रकार के खेलों के लिए वो मल्टीपर्पज हॉल राठी साहब बन रहा है वहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि वो साल भर के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो समस्याएं जो खेल के ग्राउंड वाली बात है वो समस्या खत्म हो जाएगी। क्या लगता है कि जो दावे हो रहे हैं, क्योंकि पौने तीन साल दावे नहीं है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, इन लोगों ने काम नहीं कराया, हम लोगों ने काम कराया, वो दिख रहा है कि किसने कराया, कौन करा रहा है, कौन कितना कर रहा है, वो सब दिख रहा है। क्या लगता है, कुछ है दम दाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं अम्मू जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी, वो कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ पर प्रश्न सरकार से है कि सरकार क्या कर रही है, और उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप बात करें कि आप अपनी पॉलिसी लाने की बात करते थे, नई स्पोर्ट पॉलिसी लाने की बात करते थे, वो पॉलिसी कहाँ पर है? आपने
खेल नर्सरी की बात की। खेल नर्सरी में आपने कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे उनको अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था जो स्टेडियम में है, जो बच्चे गांव से भी आते हैं, शहरों से भी आते हैं, अगर वो पैसा जो आप स्कूलों में लगा रहे हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं, वो क्या यहाँ स्टेडियम में नहीं लगाया जा सकता था पैसा, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पर। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। राज वंदना जी, मोदी जी का जो टारगेट है ओलंपिक 2020-24-28, उसके लिए हम चाहते हैं बच्चे, अगर ये जो छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे हैं, अगर ये बचपन से खेलना शुरू करते हैं, खेलना सीखना शुरू करते हैं, तो इनका भविष्य और भारत का भविष्य खेलों में क्या होगा? सर सुन तो लीजिए, ये इसीलिए नर्सरी स्कूलों में प्रोवाइड की गई है। और वो जो 2000 रुपए और 1500 रुपए बच्चों को हम दे रहे हैं, वहां पर यह कि स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाए तो वहीं से वो खेलना सीखे, इस प्रकार की योजना। जो सुविधाएं हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, सरकारी स्कूलों में जाइए, वहां मिड डे मील भी दिया जाता है, दूसरी सुविधाएं भी दी जाती है, कितना एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ, ऐसे ही खेलों का हाल होगा। सर बात यह है कि ग्राउंड पे आइए, जो ग्राउंड में स्टेडियम है वहां आप कुछ दे नहीं रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बात हो गई घोषणाओं की, 1500 रुपए आप देके ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सुखविंदर जी, सर आपको सवाल। मैं एक ही चीज कह कि बड़ा दुख की बात है कि 70 साल में हम एक कूलर लगा पाए और उसका हम क्रेडिट ले रहे हैं, शर्म की बात है हमारे लिए। दूसरी बात, आज पॉलिटिकल पार्टीज स्पोर्ट्स को एक कोई इवेंट करवा के एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का उन्होंने अपना काम शुरू किया है कि हमने 1 करोड़ का दंगल करवा दिया। 1 करोड़ का दंगल हुआ मुझे मालूम है, पर उसके बाद क्या हुआ? जिस पहलवान खत्री ने वो दंगल जीता वो दर दर ठोकरे खाता रहा वो 1 करोड़ पे लेने के लिए। सर डोप टेस्ट का इशू था, उसका ऊपर ऑब्जेक्शन था डोप टेस्टिंग का। मीडिया में आया उसके बाद उसको 1 करोड़ रुपया दिया गया। छोड़िए उन बातों को, मैं जो दुख की इस बात का, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, जो फैसिलिटीज हमको हमारे टाइम में मिलती थी यहाँ का हालात देख के मैं तो शर्म आती है कि हम इतने साल कब हम टॉकिंग ऑफ 73, 74, 75, उस टाइम हम खेलते थे, उस टाइम ही हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज होती थी, अब ये हाल है। और उस सवाल यही है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल नहीं रही है। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे कि गुरुग्राम में जो खेल और खिलाड़ी, उन्हें वो सुविधाएं मिल रही है जिसका दावा सरकार करती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ गुरुग्राम में, और हम लगातार बात कर रहे हैं खेल, खिलाड़ी और उनकी बदहाली पर। लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि जो खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही है। दिक्कत यही है, स्टेडियम 2 हैं, लेकिन वहां जो सुविधाएं होनी चाहिए थी आज तक नहीं मिली। गुरुग्राम प्रदेश का वो शहर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन इसी शहर को कोई भी सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। और खिलाड़ियों की बात करें तो यहां से इंटरनेशनल क्या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी जो है वो तैयार नहीं कर सकते क्योंकि वो सुविधाएं नहीं है। कुछ और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या और कौन से खेल? मेरा नाम पूजा। आपको क्या लगता है जो हॉकी की सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हैं क्या? इन सुविधाओं में आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं? नहीं, इतने में नहीं जा सकते। जो एक मैं बात करना चाहूंगी, जो अभी आपने यहाँ पे पैसों की बात की थी बच्चों के स्कूल में, वो जो बच्चे उनके अकाउंट में उनके जो पैसे जाएंगे उससे 1500 रुपए जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स यूज करेंगे, बच्चे से प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, उससे बच्चा प्लेयर कैसे बनेगा? उसके जगह जो डेली डाइट आएगी यहाँ पे, बच्चों को सुबह शाम जूस मिलेगा, उसमें बच्चा यहाँ लेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, उससे बच्चा फिर भी कुछ कर सकता है। लेकिन अकाउंट में जाएगा बच्चे कुछ नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स यूज करेंगे या बच्चा कुछ करेगा, उससे बच्चा कुछ नहीं कर सकता। यानी कि सिर्फ कहने की बात है, 1500 रुपए डाल दिए और आपने कह दिया कि परिवार जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएंगे और मेडल लेके आएंगे, दनादन चाइना से ऊपर चला जाएगा गोल्ड मेडल लाने में इंडिया। कुछ और सवाल भी यहाँ ले लेते हैं खिलाड़ियों से। बेटा आपका क्या नाम है और कौन से खेल? मेरा नाम प्रियांशु, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। बेटा ये बताइए, फुटबॉल का जो ग्राउंड है कहाँ पर आप खेलते हैं? ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो ग्राउंड है वहाँ सारी सुविधाएं? नहीं, उस स्टेडियम में फुटबॉल भी खेलते हैं, एथलेटिक्स भी और डिस्कस थ्रो भी होती है, तो फुटबॉल बार बार एथलेटिक्स के में जाती रहती है और प्रॉब्लम होती है एथलेटिक्स वालों को भी, फुटबॉल वालों को भी, और डिस्कस थ्रो भी होता है वहाँ पे, तो हमें लगने की प्रॉब्लम भी होती है वहाँ पे। और वहाँ पे वाटर कूलर लगाया है, उसमें पानी नहीं आता अच्छी तरह से।
अमू जी, यहाँ एक परिचय और अब आप यहाँ का आपका ऐड करना चाहेंगे। आप प्रेसिडेंट है हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हम बात करें फुटबॉल ग्राउंड की, वो फुटबॉल ग्राउंड जैसे कि खुद खिलाड़ी बता रहे हैं दूसरे खेल के जो खिलाड़ी हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कॉन्सेंट्रेट कर पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आपने उस फुटबॉल ग्राउंड को इवेंट ग्राउंड बना रखा है, जब देखिए आप कोई इवेंट वहां कर दीजिए, खोद दीजिए, उसको महीनों महीनों जो है खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने को नहीं मिलती है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि शहर में बेहतर सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही है? बतौर अब यहां ये आप जवाब दीजिए कि फुटबॉल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, फुटबॉल के लिए आपने क्या किया? मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, चाहे नेहरू स्टेडियम है चाहे देवीलाल स्टेडियम है, पहली बात तो राठी साहब जो कह रहे थे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपने राठी साहब का एक बड़ा अच्छा परिचय दिया इनेलो से, तो मुझे शांति सी मिली कि राठी साहब फौजी और खिलाड़ी के अलावा नेता भी हैं, तो मुझे कम से कम सेफ एक पैसेज मिल गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम चौधरी देवीलाल का सम्मान करते हैं किसान नेता के नाते, हम सर सुनिए, अब सुन रहे सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, फुटबॉल पे आइए, सुन आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना भैया, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल सर सुन तो लो सर, देवीलाल स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम, आधे घंटे में हम वही मुद्दे उठाना चाहते हैं जो जरूरत है इस शहर की, उसी पे रहिए, आइए मत। अगर अगर राज वर्मा तय कर चुके हैं मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? आप मुद्दे पे बोलिए, हम आपको पूरा समय दे रहे हैं, आप मुद्दे पे बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो फुटबॉल स्टेडियम है जिसका नाम ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, उस स्टेडियम के अंदर अगर फुटबॉल खेली जानी तो फुटबॉल ही खेली जानी चाहिए। मैं हरियाणा फुटबॉल संघ का अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूँ आपके माध्यम से, जो वहाँ पर एथलेटिक्स वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, बुजुर्ग भी जाते हैं सुबह और भी घूमने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ना जाए घूमने, वो जाए परंतु अपना समय तय कर ले, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ियों को दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टेट चैंपियनशिप जो फुटबॉल की कराई थी, इन जिन बच्चों से आप क्वेश्चन कर रहे थे उन्होंने HFA की जैकेट पहन रखी है, उन बच्चों को एक महीने के लिए दिक्कत आई, ये निश्चित तौर पे। अगर क्रिकेट का स्टेडियम है तो क्रिकेट मंगल कराया, स्वर्ण जयंती इवेंट कराया, इसके अलावा भी दूसरे कार्यक्रम होते रहते हैं, आप यही तो बात है ना, जब फुटबॉल का ग्राउंड है आप मेरे से मांग कर रहे हैं, सरकार में आप खुद है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आप खुद है, जब आप ही इतने असमर्थ हैं तो इन खिलाड़ियों का कौन रहनुमा है? राज, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो तो मैं, चलिए आप पूरा समय लीजिए। अब मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ, अगर खेल स्टेडियम फुटबॉल का है क्रिकेट का है तो वहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल ही होना चाहिए। अगर हॉकी के टर्फ के ऊपर कोच साहब बैठे हैं, क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। गुड़गांव गांव के अंदर अभी इसी सरकार के अंदर चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर गुड़गांव गांव के अंदर हॉकी का एक बहुत अच्छा एक टर्फ बनाया, वहाँ पर 85-78 के करीब बच्चे वहाँ पर, सर सुन तो लीजिएगा सर, सुनो ना, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्टेडियम जिस चीज के लिए बनाया वो उसी चीज के लिए प्रयोग में आने चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, ग्राउंड में अगर दंगल भी आपने देखा, स्वर्ण जयंती भी देखा, अगर देश का प्रधानमंत्री वहाँ आता है तो मेरे लिए गुड़गांव गौरव की बात है, और वो मेरे गुड़गांव को मेरे हरियाणा को कुछ देके जाता है तो ये भी मेरे लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री को ये कतई अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी वजह से जो खिलाड़ी है उनकी प्रैक्टिस में व्यवधान आए, आप दूसरे जगह भी कर सकते हैं। वंदना जी, मैं आपके पास सर, उसी और खिलाड़ी प्रधानमंत्री और कुछ खिलाड़ी है, बहुत सारी सुविधा और कुछ खिलाड़ी, मैं उनसे भी ले लेता हूँ सवाल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है, वॉलीबॉल ग्राउंड से हूँ। हमारे ग्राउंड में कम से कम एक साल हो गया, बॉलों की कोई प्रबंध नहीं है, चूने का भी कोई प्रबंध नहीं है, पूरे एक साल से बच्चे ऐसे खेले जा रहे हैं। वॉलीबॉल ग्राउंड को लेकर शिकायत है यहाँ खिलाड़ियों की, जो वॉलीबॉल ग्राउंड है एक साल हो गया, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई सुविधा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों से मैं अभी सुन रहा हूँ, निश्चित तौर पे बड़े गंभीर विषय हैं, और अगर ये जो सारे विषय आए हैं, मैं तुरंत इस प्रोग्राम के बाद जो संबंधित अधिकारी या खेल मंत्री हैं, मैं उनसे कल भी मिला हूं, जो मैंने बताया आपको, मैं निश्चित तौर पे वॉलीबॉल वाली समस्या और जो फुटबॉल वाला जो बच्चे बता रहे हैं उनके लिए बैठ के डिस्कस करके समस्या का समाधान कराने का प्रयास करूंगा। वंदना जी, आप कुछ कह रही थी, कोई सवाल है आपके मन में? जी, कई मुद्दे एक साथ यहाँ पर सामने आए हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी, मुझे लगता है इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो फुटबॉल जो जिनके अंडर है वो इतने असहाय महसूस कर रहे हैं कि वो मीडिया के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि मैं मांग रखता हूँ कि वहाँ पर प्रोग्राम नहीं हो। आप मांग किससे कर रहे हैं ये बताइए, क्या मीडिया से कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं या बैठे लोगों से कर रहे हैं? इसी बात हम भी ये बात करें कि प्रधानमंत्री भी खुद नहीं चाहते कि उनकी वजह से खिलाड़ियों को कोई परेशानी हो। सर, आप खेल से जुड़े रहे हैं, सारी चीजें आपने देखी, समझी और सुनी, सुझाव के तौर पर, क्योंकि क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, हम बात करें कि समाधान क्या हो, सुझाव के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि फौरी तौर पर सरकार को क्या करना चाहिए जो खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए? देखिए, सबसे पहले आज ये पॉलिटिक्स में, पहले ही मैंने बोला था कि पॉलिटिक्स छोड़ के हम इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो सकता है। अभी आपके यहाँ पे इस स्टेडियम में आज स्पोर्ट्स नहीं है, ये खेल नहीं रहा,
आज ये एक साइंस है और उस साइंस को आज केवल बच्चे का दौड़ना फिजिकल नहीं है कि वो दौड़ लिया आगे वॉलीबॉल खेल लिया फुटबॉल खेल लिया किक मार ली और वो अपना प्लेयर बन गया, नहीं। आज आपको जरूरत है एक अच्छे कोच की, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक अच्छा डॉक्टर की, एक अच्छा साइंटिस्ट। आज साइंस ये जो स्पोर्ट्स है ये साइंस हो गया। आज फकर है जितने भी मतलब मेडल आ रहे हैं उसमें 90% मेडल हरियाणा के स्पोर्ट्स में लेके जा रहे हैं, ये हमारे लिए फकर की बात है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये खिलाड़ी है अपने बूते पर तैयार हो रहे हैं और उसी बूते पर तैयार होकर वो इस प्रदेश को इस देश को मेडल दिला रहे हैं और मुश्किल यही है कि कोई भी सरकार इन खिलाड़ियों के बारे में कतई नहीं सोच रही है। चरण सिंह जी, अब मुझे आपके पास भी आ रहा हूं मैं। चरण सिंह जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप खुद हॉकी के कोच हैं और किस तरह से देखते हैं जब एक ही ग्राउंड में 3-4 खेल अगर एक साथ खेले जाएंगे तो क्या वो खिलाड़ी कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, क्या वो तैयार हो पाएगा आगे किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन में खेलने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि एक प्लेयर यहाँ से इस तरह का माहौल लेकर के कोई इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो सकता है। मुझे आप जवाब देना चाह रहे थे, ये इन सवालों को भी ऐड कर लीजिए और उनका जवाब। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। बिल्कुल, आप 2 मिनट लीजिए। मेरा देश पहला ऐसा देश है जो विश्व के अंदर खेलों के नाम से जाना जाता है। मेडल टैली की बात को थोड़ा छोड़ दें, हरियाणा प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो प्राइज मनी है गोल्ड मेडल को 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ इस प्रकार के जो इनाम दे रहे हैं ये पहला हरियाणा है और हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर सबसे आगे है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राज, जो मैं अभी मांग कर रहा था, अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हुए स्टेडियम के अंदर, मैं उनसे कह रहा था ये आपकी बातें सुने, बच्चों की बात सुने, अगर काम करें, सफाई का काम तो अधिकारियों ने कराना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि जो बात आप यहाँ पे आज चैनल में रिकॉर्ड करके लेके जाए कल दिखाएं और वो पूरी ना हो तो उसका फायदा क्या हुआ। अब एक 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 मिनट में एक सवाल और ले लेता हूँ यहाँ, मुझे आप अपना परिचय दीजिए और क्या सवाल है। सर मैं सुरेंद्र कुमार, इंटरनेशनल सैम्बो रेसलर हूँ। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल नहीं कर रहा, ये हमारे आदरणीय है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि क्राइटेरिया की गेम का क्या है, पॉलिसी क्या है? अब हम अपने खर्चे पे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक मतलब दो वर्ड में अगर बात समझे, जैसे आप कह रहे थे कि पिछली सरकारों की घोषणाओं को आपने अब पूरा कर दिया, तो ये क्या हालात है आपका? जैसे बताया कि पहले प्रपोजल इनकी तरफ से गया था और अभी मैंने भी बात की है, आपका प्रपोजल गया हुआ है, उसमें क्यों डिले हो रहा है? अगर आप श्रीमान अगर मुझे अपना नाम परिचय दे देंगे तो मैं अभी यहाँ से खड़ा होने के बाद ही आपके सामने सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी करके बता दूंगा स्टेटस क्या है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मुझे क्रिकेट की अगर हम बात करें, देश में पूजा जाता है क्रिकेट को, लेकिन गुड़गांव में क्रिकेट का जो स्टेडियम है कैसा है वो हम सब जानते हैं अच्छे से। एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम होना चाहिए थे, दिल्ली से सटा हुआ ये है, लेकिन आज तक उस दिशा में काम नहीं किया गया। और वो जो ग्राउंड है, जिस तरह से फुटबॉल को इवेंट ग्राउंड बना दिया गया है, इसी तरह से आप क्यों नहीं उसको हेलीपैड ही अनाउंस कर देते हैं? ऐसा है, निश्चित तौर पे हेलीपैड की जो बात है वो जब सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई VVIP आते हैं तो उनके लिए बनाया जाता है। अब सोना में कल राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनके लिए अगर स्टेडियम के अंदर हेलीपैड बनाया तो उसको मेयर आप नहीं रोक सकते। अगर ग्राउंड में खेलने सर सुन तो लीजिएगा, आपके पास एक अब कहना चाहते देश के स्टेडियम के आप कहीं भी VVIPs को सुरक्षा नहीं दे सकते? आपकी सरकार, आपके पुलिस फोर्स, इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। सुरक्षा सरकार के आदमी नहीं, सुरक्षा के लिए NSG और बहुत सारी संस्थाएं होती है जो मानक तय करती है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहाँ रुके। सर ये विषय मेरे सर का नहीं है, ये सर मैं राज गलत बात नहीं कहूंगा, जो विषय मेरे स्तर का नहीं है ये सुरक्षा का मामला, मैं कह भी नहीं पाऊंगा चैनल पर। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, जो क्रिकेट वाली बात आपने की, आप क्रिकेट में स्टेडियम की चिंता करते हैं परंतु क्या आपके चैनल ने, अगर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज उठाना चाहता हूँ, गुड़गांव के अंदर क्रिकेट एक अपने आप में महत्वपूर्ण गेम है। आज गुड़गांव पूरे विश्व के मानचित्र पर छाया हुआ है परंतु हरियाणा के अंदर मैं अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं, क्रिकेट आप भी खेलते हो राज, और हमारा आप दोनों मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, जिन मित्रों ने जिन परिवारों ने कब्जा कर रखा है खेल संघों पर। आप जोर से एक बार आप खुद से बताएं क्या क्या दिक्कत है दोबारा से। इंडोर हॉल चाहिए और मैट्स वैट्स चाहिए और ऑपरेटर्स जी। मैं एक तो इंडोर का बता दिया मैंने, देवीलाल स्टेडियम में काम चल रहा है और जो ये बच्ची ने डिमांड की है मैं अभी आपके सामने ही अपनी कलम से, मेरे से चेक अभी ले लें, मैं अभी ये डिमांड पूरी कर रहा हूँ आपके चैनल पर।
एक बधाई है जिमनास्ट के प्लेयर्स के लिए कि यहाँ अमूजी यहाँ आप लोगों को वादा कर रहे हैं अभी चेक वो देंगे, जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं देंगे, तो ये एक अच्छी पहल के तौर पर हम इसे देखते हैं अमूजी। लेकिन इसके अलावा भी और बाकी चीजें, फुटबॉल के लिए आप कुछ कीजिए, बाकी खेलों के लिए भी आप कुछ कीजिए, एक लास्ट रिएक्शन वंदना जी मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा। देखिए मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि हम जाकर पदक लेकर आए, ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन करें, तो जो ओलंपिक के बाद की खुशी या मायूसी है कि या पदक मिल गया तो खुशी, नहीं मिला तो मायूसी, उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2016 की तैयारी हम 2019 के लास्ट में या 2020 के जो अभी ओलंपिक आएंगे 2020 के शुरुआत में या 2019 के लास्ट में क्यों करें, उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। अगर कहीं पर फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो उसको वो पूरा किया जाना चाहिए, मेरा तो सिर्फ एक ही सजेशन। जी सर, एक लास्ट रिएक्शन। मैं फिर हैरान हूँ कि हमें क्या ये प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे चेक इशू होगा, इससे पहले तक नहीं हुआ क्या? मैं इसी दिन का हम इंतजार कर रहे थे या इन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? अमूजी एक लास्ट रिएक्शन इन सवालों के साथ, बाकी सारे जो सवाल थे उनको सबको ऐड करते हुए एक लास्ट रिएक्शन, पॉइंट टू पॉइंट आप सिर्फ ये बताइए, आपने सारी चीजें सुन ली है, कितने वक्त में आप बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है आप भी गुहार ही लगा रहे हैं सरकार में बैठकर भी, तो कब आप ये गुहार लगाएंगे और उस गुहार पर सुनवाई हो जाएगी और क्या क्या सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल जाएगी? आज इन्हीं के बीच अनाउंस कुछ कर दीजिए, बाकी भी करते आज आप भी कर जाइए, कुछ तो एक तसल्ली लेकर जाएंगे कि शायद कुछ हो जाए। पहले तो मेरी देश की बेटी ने, मेरी जिम्नास्टिक के खिलाड़ी जो स्टेट लेवल की खिलाड़ी है, उसने कोई डिमांड की तो मैंने खुशी से उस बच्ची को आपके डिमांड होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ डिमांड की बात है, मैंने अभी मेरे कोच से पूछा क्या समान है, उन्होंने कहा है, परंतु फुटबॉल में अगर फुटबॉल खेला जाएगा, सर एक लाइन तो पूरी होने दो, जो उन्होंने कहा वो मैं पूरी करूंगा। मैं आपसे मान लिया, हमने अनाउंस भी करा है, फुटबॉल ग्राउंड में क्या सिर्फ फुटबॉल खेला जाएगा? वो इवेंट ग्राउंड के ग्राउंड में डीएसओ साहब यहाँ बैठे हैं, सुन लें, अगर कोई और खेल खेलते हैं खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के टाइम पे, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के टाइम पे, तो वो नहीं होनी चाहिए, उनको आप लिखित में ऑर्डर दें। क्रिकेट ग्राउंड को हेलीपैड ग्राउंड बनने से बचाने की कोशिश होगी? क्षेत्र से बाहर है, मैं बिल्कुल इस बारे में कोई मुखिया, प्रदेश के मुखिया भी वही हेलीकॉप्टर, सर प्रदेश के मुखिया की बात नहीं, सुरक्षा प्रदेश का मुखिया हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, देश के राष्ट्रपति हो, सुरक्षा मानकों से मैं खुद आपकी बात से सहमत जरूर हूँ, परंतु इस मामले में ये कह दूं कि नहीं साहब वहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा नहीं, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ खेल स्टेडियम में अगर जो प्रदेश को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, अगर उनका हेलीकॉप्टर उतरता है तो हमारे को उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। चलिए वॉइस ऑफ गुड़गांव में आज के लिए इतना ही, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है कि जो ये खिलाड़ी है अपने हौसले और अपने दम पर ही खड़े होते हैं और उसी दम और हौसले के बलबूते मेडल दिलाते हैं, लेकिन सरकार हो या विभाग हो कुछ करने को तैयार है नहीं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।